Hello dear friends, so today I welcome you again in ratio analysis. So again we are coming with ratio analysis and more problem. There are some more ratios, important ratios, and that is known as solvency ratio. अभी तक हमने की थी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लेकिन अब हम चलना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ द कंपनीज. तो यहाँ पे हमें वी हैव टू चेक द सॉल्वेंसी रिगार्डिंग डेट, रिगार्डिंग इक्विटी. वी शैल डिस्कस द टोटल रेशियोज, मोर रेशियोज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो दैट विल बी माय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर टू रिगार्डिंग रेशियो एनालिसिस. So I have taken a balance sheet, and this balance sheet is given by financial accounts. As we know, balance sheets and income statements are given by financial accounts, and we have to analyze in management accounting. So now we are management accountant. So now we are playing the role of management accountant to present the ratio analysis. And we have to show what the management, what the ratios are telling regarding the performance of management. हमारी ratios क्या बता रही हैं regarding the performance of the management, regarding the performance of the concern. तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा लिमिटेड. शेयर कैपिटल इज गिवन पर शेयर ₹10. टोटल कैपिटल इज ₹15 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस 10% डिबेंचर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 10% डिबेंचर, इट मींस ओन डिबेंचर्स कंपनी हैज टू पे 10% पर एनम इंटरेस्ट. इसका मतलब ये होगा कंपनी को डिबेंचर पे पर एनम 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. बैंक ओवरड्राफ्ट भी है. सेंडरी क्रेडिट टोटल लायबिलिटीज आर 40 लाख. सिमिलरली फिक्स्ड एसेट्स आर देयर, करंट एसेट्स आर देयर, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म. जब हमारी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मेंशन की हो इट मींस दीज आर करंट एसेट. अगर ओनली इन्वेस्टमेंट लिखी है दीज मे बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म एसेट, लेकिन यहाँ पे हमारी शॉर्ट टर्म है, ये करंट एसेट होगा. टोटल अमाउंट इज एसेट ऑफ 40 लाख, दैट इज मैचिंग. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, देन वी हैव टू करंट रेशियो, देन प्रोप्राइटरी रेशियो, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन डेटर टर्नओवर रेशियो, देन डेटर वेलोसिटी, देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, देन अर्निंग पर शेयर. Here some new ratios are there, and we have to calculate with the this figure, this balance sheet. We have to calculate the performance of the management, and we have to apply the tool of ratio analysis. अब यहाँ पे हमें कौन सा टूल अप्लाई करना है, that will be ratio analysis. So मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आई हैव टू टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड आई हैव टू कैलकुलेट दीज रेशियोज. तो ये रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैंने न्यूमेरिकल लिया सो दैट इट विल बी मोर क्लियर. तो नाउ डेट इक्विटी रेशियो. तो डेट इक्विटी रेशियो मींस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डेट, डेट मींस लायबिलिटीज, डेट मींस लायबिलिटीज, एंड दीज लायबिलिटी मे बी शॉर्ट टर्म एंड दीज लायबिलिटीज मे बी लॉन्ग टर्म. तो मैंने कहा था डेट का मतलब होगा कंपनी के डेट, चाहे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो चाहे वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो. व्हेन एवर दीज आर क्लब्ड, दीज टोटल लायबिलिटीज आर नोन एज डेट. इन टोटल लायबिलिटी को हम डेट कहते हैं. सिमिलरली इक्विटी, इक्विटी इज नोन एज प्रोप्राइटर फंड, इक्विटी इज नोन एज शेयर होल्डर फंड. So it includes equity share capital. It means that will be including equity share capital, preference share capital, reserve and surplus, and P&L account, profit and loss account, credit balance. तो इसको हम इक्विटी कहते हैं. अगर यहाँ पे बाय चांस हमारे एसेट में ये गिवन है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस एसेट और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, इफ इट इज गिवन ऑन एसेट देन दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम इक्विटी. अगर हमें गिवन हो डिस्काउंट ऑन शेयर, अगर एसेट में गिवन हो तब हम इक्विटी में से डिडक्ट कर देते हैं. इफ नथिंग इज गिवन, कोई भी हमें डिस्काउंट गिवन नहीं है एसेट में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन नहीं है,
then no deduction from equity in this sum. तो हमें proprietor fund को हमारा name होगा that will be equity. That is known as shareholder fund, proprietor fund, equity and that may be known as net worth. उसको हम net worth भी कहते हैं. तो यहाँ पे हमारी रेशो होगी डेट इक्विटी. अब डेट में हमें कलेक्शन करनी पड़ेगी यहाँ से डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन. तो डिबेंचर एक लायबिलिटी है, कंपनी डिबेंचर इशू करती है, देन कंपनी फाइनेंसेस. डिबेंचर इशू करने के बाद कंपनी फाइनेंस अपना अरेंज करती है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, सन्डरी क्रेडिटर भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. इट मींस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को यहाँ पे हम क्लब करेंगे. इट मींस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 12 लाख दैट विल बी 19 लाख विल बी डेट. तो यहाँ पे हम ये शो करना चाहते हैं कंपनी का डेट कितना है, कंपनी की आउटसाइडर लायबिलिटीज कितनी है एज कंपेयर टू इनसाइडर फंड. तो यहाँ पे हमारा ये भी रेशो होती है आउटसाइडर फंड डिवाइडेड बाय इनसाइडर फंड, हम ये भी कह सकते हैं. तो इक्विटी को हम इनसाइडर कहते हैं. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी टोटल ये मिला के बनेगा 19 लाख. That will be numerator और debenture से start होगा. अगर हम equity की बात करें, equity में दो ही आएंगे, यहाँ पे given है share capital and reserve and surplus. इन दोनों का total होगा 21 लाख, क्योंकि जो भी profit balance है ये share holder के fund है. अब हम देखना चाहते हैं कि debt कितना है as compared to equity. तो हमारा answer बनेगा 19 लाख divided by 21 लाख और ये बनेगा 0.9:1. ये हमारी रेशो होगी. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कंपनी के पास 90% डेट है एज कंपेयर टू इक्विटी, 1 रुपी ऑफ इक्विटी. तो 90% कंपनी जो है डेट होल्ड कर रही है. इट मींस यहाँ पे हम ये कह सकते हैं डेट शुड बी रिड्यूस, डेट को हमें थोड़ा कम करना चाहिए. बिकॉज एज देयर इज ए मोर डेट there shall be more interest that company has to pay. It means यहाँ पे हमारा conclusion होगा company के पास 90% debt है. That means outsider liability. तो company finance कर रही है, outsider liability का base है 90%. तो उसके बाद अब हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो कंपनी का 1 रुपए के पीछे 90% जो है उनके डेट है. उसके बाद हम आते हैं बी पार्ट, दैट विल बी करंट रेशो. अब करंट रेशो को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. सबसे पहले हम लिक्विडिटी में करंट रेशो को डिसाइड करते हैं और करंट रेशो का फार्मूला होगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. और इनका जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज 2:1. इनको हम कहते हैं 2:1 हमारा स्टैंडर्ड है. तो ये हमारा स्टैंडर्ड 2:1. इट मींस यहाँ पे हमारी डबल करंट एसेट्स होनी चाहिए एज कंपेयर टू 1 रुपी ऑफ करंट लायबिलिटी. हमारे पास 2 रुपीज करंट एसेट होनी चाहिए. अब यहाँ पे हमें करंट एसेट जो स्टार्ट करनी पड़ेगी दैट विल बी फ्रॉम स्टॉक. अब ये क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी करंट एसेट है. बुक डेट जिनको हम डेट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म. अगर शॉर्ट टर्म है तो ये करंट एसेट है, कैश भी हमारी करंट एसेट है. तो टोटल ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 23,50,000. तो हमारे पास जो करंट एसेट है वो है 23,50,000. तो अगर हम करंट लायबिलिटी कहते हैं, करंट लायबिलिटी होगी बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सन्डरी क्रेडिटर, ओनली 2 करंट लायबिलिटीज आर देयर. तो ये होगी हमारी 2 + 12, 14 लाख हमारी करंट लायबिलिटी होगी. तो अगर हम रेशो को देखें तो ये आंसर बनेगा 1.68:1. इसका मतलब है हमारे पास 1 रुपी 68 पैसे करंट एसेट्स हैं एज कंपेयर टू 1 रुपी ऑफ लायबिलिटी. तो अगर हम इसमें थोड़ा कमेंट करें तो दिस रेशो मे नॉट बी सेड एज सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज नॉर्म इज 2:1, क्योंकि हमारा नॉर्म है 2:1. इसलिए हम इसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं भी कह सकते, क्योंकि इसको थोड़ा, इसको अगर हमें इंप्रूव करना हो, कमेंट करना हो, देयर शुड बी मोर करंट एसेट. तो करंट एसेट हमारी ज्यादा होनी चाहिए सो दैट रेशियो शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड 2:1.
उसके बाद हम थर्ड रेशो में आ रहे हैं, दैट इज ए प्रोप्राइटरी रेशो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशो ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रोप्राइटरी रेशो, इसका फॉर्मूला होगा प्रोप्राइटर फंड और इक्विटी और शेयर होल्डर फंड और नेटवर्क डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो टोटल एसेट में हम लेंगे करंट एसेट एज वेल एज फिक्स्ड एसेट। तो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे पास एक होती है फिक्टिशियस एसेट, जैसे होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ एक्सपेंसेस, अगर वो एसेट में गिवन हो दैट विल नेवर बी टेकन एज टोटल एसेट। टोटल एसेट में हमें ओनली फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट को इंक्लूड करना होता है, दैट शुड नॉट बी टेकन एज एसेट, जिनको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, जिनको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट, तो वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होंगी ओनली करंट और फिक्स्ड एसेट। तो हमने सबसे पहले प्रोप्राइटर फंड लिए, तो इक्विटी जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं सामने, इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर फंड, ये बनेगा 21 लाख, जो हमारे शेयर होल्डर के फंड है वो है 21 लाख। तो हमने लिया 21 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट करंट और फिक्स्ड एसेट, दैट विल बी 40 लाख। तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो अवर आंसर विल बी 0.525:1। ये रेशियो हमें ये बताती है कि टोटल एसेट के कंपैरेटिवली कंपनी के कितने प्रोप्राइटर फंड हैं। तो जितनी ये रेशियो इंक्रीज हो दैट विल बी शोइंग ए बेटर सिग्नल, जितने हमारे इनसाइडर बढ़ते हैं, शेयर होल्डर फंड बढ़ते हैं जिनमें प्रॉफिट भी होता है, शेयर कैपिटल भी होती है, जितना ये इंक्रीज होगा दैट रेशियो विल बी शोइंग ए बेटर सिग्नल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.525:1, दैट इज मोर देन 50%। हम कह सकते हैं 50% से अधिक हमारे पास प्रोप्राइटर फंड है जो एज कंपेयर टू टोटल एसेट है, और जितनी रेशियो इंक्रीज होगी दैट विल बी शोइंग सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनी, डिमांड ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द कंपनी, दैट विल बी शोन बाय द प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये हमने डिस्कस की प्रोप्राइटर फंड। उसके बाद हम आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, दीज आर वेरी सिंपल। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला हम लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 7,44,000 और सेल्स हमारी है 74,40,000। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर का डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये रेशो हमारी बनेगी 10%। तो इसको हम कहते हैं 10% रेशो। तो 10% विल बी ए बेटर रेशो। अगर हम 20% करें, हायर द रेशो हायर द कंपनी, जितनी रेशो हमारी हायर होगी दैट विल बी बेटर कंपनी। तो सिमिलरली हम नेट प्रॉफिट रेशो भी इसी तरह देखते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल, तो ये भी हमारा फार्मूला होता है, तो ये हो जाती है नेट प्रॉफिट रेशो। उसके बाद हम आ रहे हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो, तो इसको हम कह सकते हैं एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशियो का फार्मूला हमने कहा था नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर। अब डेटर टर्नओवर रेशियो क्या बताती है कि हमारी नेट क्रेडिट सेल कितनी है, हमने कितनी क्रेडिट सेल की है एज कंपेयर टू डेटर्स एंड वी आर विद द कंपनी। इफ बिल रिसीवेबल इज नॉट गिवन देन डेटर विल बी अवर डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हम डेटर ही रखेंगे क्योंकि वी आर हमारे पास नहीं है, तो बुक डेट्स को भी हम डेटर कहते हैं, बुक डेट्स आर नोन एज डेटर। तो यहाँ पे हमने लिया जो भी सेल हमने मानी है दैट सेल इज अज्यूम्ड टू बी क्रेडिट। सबसे पहले सेल को हम क्रेडिट मानते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर। तो सेल 74,40,000 डिवाइडेड बाय 12,40,000, इनमें हमें लेनी है बुक डेट्स। If BR is not there, then only book debts or debtor will be taken. इसको आपने denominator लिया और इसका answer होगा 6 times. तो higher the debtor turnover ratio,
बेटर द कंसर्न, जितनी टर्नओवर रेशियो बढ़ेगी उतना हम कंसर्न करेंगे, दैट विल बी प्रोग्रेसिव, कंसर्न विल बी बेटर। इसका मतलब होगा हमारी बीआर और डेटर के रिलेटिवली हमारी कितनी क्रेडिट सेल है, और जितनी क्रेडिट सेल बढ़ेगी इंक्रीज होगी, इट मींस दैट कंपनी विल बी मोर एक्टिव। तो कंपनी उतनी एक्टिव और उतनी प्रोग्रेसिव मानी जाएगी। जब हमने डेटर टर्नओवर ले ली तो उसके साथ ही हम ले सकते हैं डेटर वेलोसिटी। अब डेटर वेलोसिटी और डेटर कन्वर्जन पीरियड और डेटर और जिसको हम कहते हैं डीसीपी आल्सो, कितनी देर में हम रिसीट करें जिसमें कहते हैं रिसीवेबल वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये होगा इन हाउ मेनी डेज और इन हाउ मेनी मंथ्स वी आर कलेक्टिंग फंड फ्रॉम डेटर। और जितना कम समय में हम कलेक्ट करेंगे, जितनी टाइम कम होगा, बेटर द रेशियो, और जितना टर्नओवर अधिक होगा उतनी बेटर होगी, और जितनी वेलोसिटी का समय कम आएगा, यानी डेज का आंसर कम होगा या मंथ का आंसर कम होगा, दैट कंपनी विल बी बेटर। इसका मतलब हमें ये बताएगा भी कितने दिनों में जल्दी हम डेटर से रिसीट करते हैं, इट मीन देयर इज ए लैकिंग ऑफ बैड डेट, और जितने बैड डेट कम होंगे दैट विल बी ए बेटर कंपनी। तो यहाँ पे डेटर वेलोसिटी का फार्मूला जो है इससे रिवर्स हो जाता है। अब हमने ऊपर ले लिया एवरेज ट्रेड डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 12। अब 12 से कहेंगे तो मंथ में आंसर आ जाएगा, अगर हम डेज 365 से लेंगे तो हमारे डेज में आंसर होगा। अब हमने मल्टीप्लाई किया 12 से तो हमारा 2 मंथ्स आंसर मिलेगा। इस रेशियो को पहले रिवर्स किया और मल्टीप्लाइड बाय 12 किया तो ये आंसर हमारा होगा जिसको कहते हैं रिसीवेबल वेलोसिटी और डेटर कन्वर्जन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, ये इनके नाम है। तो ये हम कितने महीनों में कलेक्ट करते हैं, दैट विल बी 2 मंथ्स। उसके बाद में आ रहा हूं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां न्यूमेरिकल देखना चाह रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारी सेल गिवन है और हमें जीपी भी गिवन है, सबसे पहले हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसका फार्मूला नेट सेल माइनस जीपी, That will be cost of goods sold. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है या स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, जो बताती है हाउ मच कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर देयर एज कंपेयर टू एवरेज इन्वेंट्री। जितनी हमारी एवरेज इन्वेंट्री है हमने कितनी कॉस्ट का गुड्स सोल्ड की है, हायर द टर्नओवर द बेटर द कंपनी, जितनी हायर द टर्नओवर टाइम होगा उतनी हमारी बेटर कंपनी होगी। अब यहाँ पे हमने सेल माइनस जीपी किया डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इफ ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर देन क्लोजिंग इज द एवरेज। अब हम क्लोजिंग को ही एवरेज मानेंगे तो यहाँ पे हमने किया सेल माइनस जीपी डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो ये बनेगा हमारे पास ये आंसर, इसको माइनस करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 7.36 टाइम। तो इसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। तो जितना टर्नओवर रेशियो इंक्रीज होगी द कंपनी विल बी बेटर। उसके बाद में इस सब में लास्ट रेशियो में आ रहा हूं जिसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज द सिग्नल फ्रॉम वेयर शेयर होल्डर्स कैन बाय द स्टॉक। शेयर होल्डर बाय अपने शेयर क्यों करते हैं, क्योंकि दे हैव टू सी द ईपीएस, जिस कंपनी की ईपीएस ज्यादा होगी मोर होगी दैट विल बी प्रेफरेबल बाय शेयर होल्डर, तो वो हमारी शेयर होल्डर प्रेफर करते हैं। तो जिसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी इन्वेस्टर्स को कितनी अर्निंग है ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर शेयर हम हेल्ड करें रखें होल्ड करें तो हमारी अर्निंग कितनी होगी, दैट विल बी ऑन द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारे इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है जिसको हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर ईपीएस। तो ये कंपनी क्या करती है, अपने पहले नेट प्रॉफिट लेती है, उसमें सबसे पहला काम होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट।
तो सबसे पहले हम डिबेंचर इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म मोर्टगेज लोन के इंटरेस्ट उनको हम डिडक्ट करते हैं, यानी इंटरेस्ट को माइनस करती है। उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी टैक्स की। टैक्स का मतलब जो कंपनी ने टैक्स पे करना है, जिसको हम टैक्स कहते हैं या प्रोविजन फॉर टैक्स या इनकम टैक्स हम कहते हैं। उसके बाद लेस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये हमारा सीक्वेंस बना है एनपी आफ्टर इंटरेस्ट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, उसके बाद हम टैक्स माइनस करते हैं अगर गिवन हो, फिर हम करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे डिविडेंड होता है वो डिडक्ट किया जाता है। जो अर्निंग रिमेनिंग होती है दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इनको हमने इक्विटी शेयर कैपिटल माना हुआ है, तो दैट विल बी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इसका मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी अर्निंग रिमेनिंग है कंपनी के पास, हाउ मच अर्निंग इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, जिसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर ईपीएस। तो हम ईपीएस का एक सिग्नल लेते हैं, फ्रॉम दिस सिग्नल फ्रॉम दिस अप्रोच इन्वेस्टर्स कैन गो टू द कंपनी फॉर बाइंग मोर शेयर और नॉट बाइंग और इग्नोरिंग द कंपनी बाय टेकिंग देयर ईपीएस इन पैरेलल। अगर हम ईपीएस को चेक करते हैं उसके बेस में हम कंपनी सिलेक्ट भी कर सकते हैं और हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला होगा। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 10 लाख। अब यहाँ पे जो 10% डिबेंचर है ये 5 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 लाख प्रॉफिट लिया माइनस 50,000। 50,000 कैसे बना, 5 लाख डिबेंचर 10% ये इंटरेस्ट हमने डिडक्ट किया। अब टैक्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हमने जीरो मान लिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, उनका कोई डिविडेंड मेंशन नहीं है, उनको भी हमने जीरो मान लिया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी कैपिटल हमारे पास है 15 लाख। अब 15 लाख को हमने 10 शेयर से डिवाइड किया तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बनते हैं 1,50,000। तो ये हमारे शेयर होंगे क्योंकि हमने टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय पर शेयर अमाउंट, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा 9,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो ये आंसर होगा रुपीज में। तो ईपीएस इज ऑलवेज इन रुपीज, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं होगी, कोई रेशियो नहीं होगी, इसको हम रुपीज में लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर कंपनी कितनी प्रोवाइड अवेलेबल कर रही है, दैट इज 6.33। अगर ये रेशियो जितनी इंक्रीज हो, जितना रुपीज का अमाउंट बढ़ेगा, दैट विल बी बेटर कंपनी। तो हम कंपैरिजन करते हैं कि ईपीएस कैसे है। इफ दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इट मींस कंपनी इज प्रोग्रेसिंग, इफ इट इज डिक्रीजिंग इट मींस दैट कंपनी मे बी गोइंग टू डिक्लाइन। तो ईपीएस हमारा रुपीज में कैलकुलेट होता है, तो हम रुपीज में कैलकुलेट करते हैं हाउ ईपीएस इज टू बी ए सिग्नल। तो इसको हम सिग्नल कहते हैं फॉर बाइंग द शेयर्स और इग्नोरिंग द इन्वेस्टमेंट। तो ये हम चेक करते हैं। तो जिस कंपनी की ईपीएस ज्यादा होगी बेटर होगी, और जिस कंपनी की नेगेटिव होगी दैट कंपनी हैज टू बी रिजेक्टेड। तो ये रेशियो एनालिसिस गिव्स द कंपनीज परफॉर्मेंस। ये हमारी लिक्विडिटी भी बताती है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, जिसमें कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ईपीएस, दीज आर कंपनीज रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो भी हमारे पास है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर वेलोसिटी, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो आई हैव टेकन ए मिक्सचर ऑफ रेशियोज इन द सम एंड वी हैव टेकन द इलस्ट्रेशन, वी हैव टेकन न्यूमेरिकल पिक्चर सो दैट वी शुड टेक द बैलेंस शीट प्रोपोर्शन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो एंड वी हैव टू मेक द कमेंट। तो हमने रेशियो की फिगर के ऊपर हमने सम लिया, उसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया हाउ रेशियोज विल बी डिटरमिन्ड। सो थैंक यू वेरी मच।